ये पिछले दिनों बैसा प्रखंड के सीसाबाड़ी पंचायत अंतर्गत मोहर्रम में सीसाबाड़ी करबला में जो एक कहा जाए कि घटना घटी है, इसमें पुलिस को और उपद्रवों के बीच में कुछ झड़प हुई है। इसमें निर्दोषों के नाम भी शामिल किए गए हैं। इसको लेकर लगातार आपके द्वारा पहल करने की बात सामने आ रही है, तो अब तक क्या पहल की गई है और किस तरह का अब तक आपके द्वारा कार्य किया गया है जिससे क्षेत्र में खास करके निर्दोष लोगों के नाम को हटाने की कोशिश की गई है? जी बताएं। 9 अगस्त 2022 को मुहर्रम के दिन जो सीसाबाड़ी करबला में जो अखाड़ा के बीच में और जो पुलिस के बीच में झड़प हुई, और जिस कारण जो है रौटा थाना कांड संख्या 111/2022 दर्ज किया गया, जिसमें 99 लोग बाई नेम FIR हैं और 4,900 अन्य लोग उसमें नामित हैं। और जब घटना की मुझे सूचना पंचायत के प्रतिनिधियों से बात और घटना के संबंध में जानकारी, मुझे जो जानकारी मिली तो लगा कि जो है पिछले 2 साल से मुहर्रम पर कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण नहीं मनाया गया था, और ये 3रे साल में जब पर्व हो रहा था तो करबला की जो जमीन है 1 एकड़ 76 डिसमिल 2 कड़ी उसके एक भाग को अतिक्रमण किया गया है, और रास्ते में जो कीचड़ था उससे जब अखाड़ा गुजरा और उसमें किसी के पैर में कांच लग गया जिससे लोग भड़क गए, और उसके बाद जो है वो जो है आसपास के जो अतिक्रमण घर थे उस पर हमला बोल दिया, जिस पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, लाठी चार्ज किया गया। उसके बाद जो लोग जो है लोग और भड़क गए लाठी चार्ज के बाद, और दोनों तरफ से ही पथराव हुआ, और उसमें कई पुलिस पदाधिकारी भी और पुलिस भी जनप्रतिनिधि भी जख्मी हुए। और इस संबंध में घटना को लेकर मैं दिनांक 18 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मिलकर घटना के संबंध में जानकारी दिए और उनसे मांग किए कि जो भी निर्दोष लोग हैं उसकी जांच करवाई जाए, वीडियो फुटेज से जांच करवाई जाए, जो निर्दोष लोग हैं उसको बरी किया जाए। जैसे आपके सामने में ही इफ्तखार बाबू जो खुशालपुर चौक में चाय की दुकान चलाते हैं, कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट से धरान नेपाल से उनका जो है हार्ट का ऑपरेशन हुआ, उनको कहा गया कि भीड़ भाड़ से और जो है ज्यादा शोरूम से दूर रखना, उनको अपने चाय की दुकान चलाकर हर 3 महीने पर उनको जाना पड़ा। एक बच्चा है लुधियाना में है, कोई मुंबई में है, एक 8 साल का बच्चा है, कोई विदेश में है, इस तरह से नाम आ गया। उजैर साहब है जो घटना के दिन किशनगंज में थे, डॉक्टर के यहाँ थे। तो इन सब बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने जो बिहार के DGP हैं श्री संजीव कुमार सिंघल को निर्देशित किया कि जो है इस मामले की जांच करिए, जो भी निर्दोष लोग हैं उनको बरी किया जाए। फिर हम लोग जो है सिंघल साहब से भी मिले, मेरे साथ उजैर साहब पूर्व जिला पार्षद पूर्व प्रमुख शमशाद साहब भी थे, फिर उन्होंने SP पूर्णिया से फोन पर बात कर उनको दिशा निर्देश दिए, इनको बारीकी से जांच किया जाए, कोई भी निर्दोष आदमी फंसना नहीं चाहिए। फिर इस संबंध में जो जमीन का मामला है उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लोग जो है बिहार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब से मिले, वो जिला पदाधिकारी पूर्णिया से जो है बात किए, बात करके उनको निर्देश दिए कि जमीन का नापी करके जो अतिक्रमण मुक्त है उसको कर दिया, और रास्ता में जो कीचड़ मुक्त है उसको दुरुस्त किया जाए, अगर हो सके पंचायत वगैरह से तो इसको 4 दीवारी भी करवा दिया जाए, ताकि भविष्य में आने वाले दिनों में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। उसी कड़ी में आज हम लोग जो एक शिष्टमंडल को लेकर के पहले पुलिस अधीक्षक से मिले श्री दया शंकर जी से, और उनसे फिर घटना पर चर्चा हुई। उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया कि जितने लोग अन्य नाम है उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं है, और बाकी जो बोल रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, ऐसे लोग अपना पुलिस अधीक्षक अपने परिवार के किसी आदमी के द्वारा अपना मोबाइल नंबर देकर अपना आवेदन सोमवार तक
पुलिस अधीक्षक के यहाँ जमा करवा दें कि भाई मैं घटना के दिन फलाना जगह था, वहाँ घटना से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी निर्दोष होंगे वो भी बरी किए जाएंगे। और उसके बाद फिर जिला पदाधिकारी के कार्यालय में मैं मिला जिला पदाधिकारी, फिर पुलिस अधीक्षक दयाशंकर जी को भी बुलाए, जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत, पुलिस अधीक्षक दयाशंकर जी और मैं खुद तीनों आदमी से डिस्कशन होके, जो हमारे जिला पदाधिकारी थे उन्होंने एडीएम पूर्णिया, एसडीएम बायसी और जो अपने ओएसडी को निर्देश दिया कि जो है आप अविलंब इस जमीन को नापी कीजिए करके पहले सीमांकन कीजिए, फिर उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसी कड़ी में हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी बैसी तूसी कुमारी तूसी से भी मिले और उन्होंने जो है जमीन नापी के लिए जो है अंचल अमीन और हल्का कर्मचारी को डिपुट कर दिया है और अभी हमारी फोन से जो है अंचला दी हो गया ना। हाँ अब लोग आइए तो बाहर सबको बैठे, सबको यहाँ बैठे, वोट सबको यहाँ।